ओके एवरीवन, सो माय नेम इज अवार्ड एंड ब्रो आज अपन ये माइनक्राफ्ट का बनाने वाला एक मस्त वाला फिशिंग का हाउस, ठीक है, बोट हाउस भी बोल सकते हो तुम लोग, एक बार आ जाओ फिर बातें करते हैं यार। ओके भाई, तो तुम देख सकते हो फाइनली मैं खड़ा हूँ, ठीक है, रात हो रखी है। मैं बोल रहा था ना भाई, हर बार जब मैं माइनक्राफ्ट का अंदर आता हूँ रात होती है यार, मेरे को कदे पसंद नहीं है बात, ठीक है, मेरे को ना सोना पड़ेगा खामखा यार। कोई नहीं, अभी अपन सो जाते हैं, कल सुबह मैं तुम्हें सब चीज बताऊंगा, बिकॉज रात मेरे को काम करना कोई खास मजेदार चीज है नहीं, ठीक है। एंड अब रात में उठ ही रखे हैं भाई, तो एक चीज अनाउंस कर दूं मैं कि फाइनली मेरा अपना सैटरडे ब्रो का वीडियो डाल दिया मेरे तीसरे चैनल पर। तो अब तक तुम लोगों ने ब्रो मेरा तीसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, एंड अगर तुम लोगों को सेटअप वीडियो चाहिए भाई सेटअप टूर का, ठीक है, एक्जैक्टली क्या क्या चाहिए सब चीजें मैंने बताई है, बड़ा ही मस्त वीडियो है यार, कल मैंने डाला था, तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई जो लिंक दे रखा है मैंने मेरे तीसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर जाके नया सेटअप टूर का वीडियो देख सकते हो, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। फाइनली वीडियो जा चुका है इतने दिनों के बाद में, ठीक है, अब अपन सो जाते हैं, कल सुबह से बात करते हैं भाई, मस्त वाली नींद लूंगा, ठीक है ना, मैं आज बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोना है मेरे को। ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग यार, अभी अपन उठ चुके हैं, ठीक है, माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड अभी यहां से नीचे चलता हूं, निकम्बे फार्मर सच्ची बोल रहा हूं ब्रो, मैं मारने वाला हूं उसको, ठीक है यार, बहुत हो गया मजाक, इतनी छूट दी है मैंने इस बंदे को कि जाके ने काम कर ले, काम कर ले, नहीं कर रहा ना, खत्म है भाई, खत्म है, ठीक है ना, कुछ दिनों बाद तुम्हें दिखेगा नहीं ये बंदा, ठीक है, तुम लोग सही हो यार, तुम लोग सही काम कर रहे हो, वेरी गुड, काम करते रहो इसी तरीके से, ठीक है। एंड भाई अभी मेरे को ना एक चीज याद आई है ब्रो, वो चीज ये है कि भाई तुम्हें पता है यहाँ पे अपने दो दो घोड़े हुआ करते थे, एक जो मेरा घोड़ा है ना जिसका नाम मैंने तूफान रखा था यार, वो तूफान जो है भाई उसको अपन छोड़ करके आ गए ब्रो प्लीजर के पास में, ठीक है, मेरे को अभी भी याद है प्लीजर का जो आउटपोस्ट है उसके पास में छोड़ के आ चुका हूँ यार अपने तूफान को, अभी जाके भाई तूफान को लेकर के आएंगे अपन, ठीक है, बहुत हो गया मजाक, कम से कम उसको छोड़ोगे भाई, महीना भर होने आया, मन नहीं गया वहां पे यार, अभी जाके देख करके आता हूं मैं, ठीक है, तूफान को लेकर के आता हूं, प्लीजर तेरे घर जा रहा हूं, ठीक है, मैं कैदी कहीं के, ओके तेरे भाइयों से मिलके आऊंगा मैं, ओके ठीक है ना, ओ बाप रे बाप, इतनी फुर्ती, रुक तेको मारूंगा मैं, ये ले इतनी फुर्ती, हां मार दूंगा जान से भाई, एक तो दिमाग खराब करा है मेरा। एंड ब्रो अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो लास्ट वाले वीडियो में अपन ने मस्त कैसल टावर बनाया था यहाँ पे, बहुत ही मजा आया था इनको बना के, एंड ब्रो इनसे नजारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, चलते ऊपर अभी। ओके भाई, तो फाइनली तुम देख रहे हो यहाँ से कुछ इस तरीके से नजारा आ रहा है यार, बहुत ही ओपी लुक आ रहा है, ठीक है, अगर इन फ्यूचर अपने भाई कभी भी रेड पड़ती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो अपन यहाँ पे खड़े होकर के अपने बाउंड्री के पार, तुम देख रहे हो ये अपनी बाउंड्री नीचे ये रही, इसके पार जो भी खड़ा होगा उन सेना पे अपन हमला करेंगे, ठीक है ना, बोलो तो भाई मस्त तरीके से तीर बरसाएंगे, ऑल दो तीर मेरे पैर पे लगा हुआ है प्लेजर बेवकूफ का, बट कोई नहीं, अभी अपन चलते हैं ब्रो, ठीक है, बच गया भाई, मरता मैं तो अभी, सही है भाई सही है। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, एंड पीपू उपू मेरे पीछे पीछे आएगा, ठीक है, बिकॉज तुम देख रहे हो मेरे पास है कैरेट, आजा अपन दोनों चलेंगे, ठीक है ना, दोनों मार्कर के आएंगे, एक कैरेट तो खा ले, बाजा मेरे पीछे पीछे चल जल्दी आजा, अरे भाई आ रहा है ना, आता रहे मेरे पास टाइम नहीं इतना, ठीक है, बिकॉज अपने को ना अपने तूफान को लेकर के आना है साथ में, गाइस आजा अपने को ना बोट वाला हाउस भी बनाना है, बोट हाउस तो बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है, मैंने देखा था भाई बहुत ही मस्त लगेगा, एक बार चलते जल्दी से अपन तूफान के पास में चलो। एंड ब्रो ये देख रहे हो तुम अपना वीट फार्म, क्या मस्त लग रहा है ना, बिल्कुल ही क्या बात है, इतना बड़ा वीट फार्म बनाया भाई, मजा ही आ गया समझो। ओके भाई, तो भागते भागते फाइनली मैं बीज वाले एरिया में आ चुका हूँ, क्या बात है, अभी तक एक भी बी नहीं दिखी है, चलो सही है यार, अभी ना भाई पिछली बार जब मैं आया था ना बीज गुस्सा हो रखी थी अपने से, मारने लग गई ब्रो अपने को यार, अभी सही है, चलो अभी थोड़ा सेफ है, चलो भागते रहो। ओके भाई, तो तुम देख सकते हो फाइनली अपन आ चुके अपने बनाए हुए रास्ते पर, ठीक है, क्या बात है यार, ये मैंने रास्ता बनाया था, इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द अपन आने वाले प्लेजर के घर के पास में, ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ अभी तक, तो चलो बढ़िया है। तो गाइस फाइनली तुम देख रहे हो अपन पहुंचने वाले हैं शायद अभी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया भाई, रुको मेरे को दिख चुका है। ओके ब्रो क्या बात है यार, फाइनली अपना, ए कौन बोला, मैं डर गया, मैं भी बोलने वाला था ना यार, मैं डर गया जस्ट में, बट ब्रो फाइनली तुम देख रहे हो अपना घोड़ा अपने को मिल चुका है। मेरे तूफान कैसा है तू यार, इतने दिनों से मैं तेरा वेट कर रहा था, ठीक है, आजा चल बाहर आजा, बाहर निकलते ब्रो अपन यहाँ से। अरे ओके गाइस, मेरे को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आराम से अभी अपन इसको तोड़ते हैं, गाइस अपन लेकर के जाने वाले यहाँ से अपने मस्त वाले घोड़े तूफान को, ठीक है, तूफान तू जल्दी मेरे साथ अपने घर पे चलेगा, तैयार हो जाओ। तो भाई फाइनली तुम देख रहे हो तूफान यहाँ से निकल चुका है, मैं सारे प्लेजर्स के ऊपर बोल के आया था, ठीक है, कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से भाई। ओके भाई बहुत ही सही, मजा आ गया सच्ची में, ये प्लेजर ये रहा मैं, ठीक है, आजा 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 आजा, देखते हैं भाई किसमें कितना है दम, आजा पकड़ के बता दे मेरे को एक बार। अब गाइस फाइनली तुम देख रहे हो तूफान अपने को मिल चुका है, एंड तूफान फंस गया है क्या भाई, फंस गया शायद, चलो 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 भाई 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 चलो चलो चलो, बहुत सही, अभी तक अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है यार, ऐसा मेरे को लग रहा है, यहाँ से मेरे को कहाँ जाना चाहिए, एक मिनट रुको यार, मेरे को ना यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, मर रहा हूँ भाई, मर रहा हूँ मैं, बच गया अभी, रुको एक मिनट, मेरे को ना इस साइड जाना चाहिए अभी। एंड गाइस फाइनली अपन जाने वाले हैं, अपन आ चुके हैं खुले मैदानों की तरफ, बच गया,
भाई बच गया बच गया बच गया, अभी तो मरता यार। मेरे को ना बहुत संभल के चलाना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहा हूँ ठीक है लगातार यार। अभी मेरे को कैसे भी करने पहाड़ ऊपर जाना है यार भाई, एक तो एक क्या क्या जगह है यार। ओके ब्रो, तो फाइनली तुम देख लो मैंने थोड़ा बहुत रास्ता बना दिया यार, अभी देखते हैं अपन कब तक चलते रहते हैं ऊपर। चलो 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 यहाँ से कूदना पड़ेगा, कम ऑन घोड़े कूद जाना यार, क्यों मजाक कर रहा है, कूद जा यार प्लीज प्लीज। ओके 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 भाई फाइनली तुम देख लो मैं घोड़े को कहाँ तक लेकर के आ गया हूँ, मेरे को यहाँ से चलते जाना है। कम ऑन कम ऑन घोड़े कम ऑन, तू कर सकता है यार, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। वेरी गुड भाई, फाइनली मैं पता नहीं कहाँ पे आ चुका हूँ, एंड मेरे को लग रहा है यहाँ से अपने को ना कूदना पड़ेगा ब्रो। ओके एंड मरना नहीं है, बच गए बच गए बच गए ब्रो, फाइनली बच चुके हैं। अभी अपन इसको लेकर के जाने वाले अपने घर पर ठीक है, बहुत सही यार। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अपने तूफान को लेकर के अपने घर पर यार, बहुत ही बढ़िया भाई, अपना तूफान वापस आ चुका है अपने पास में। एंड एक क्रीपर क्या कर रहा है भाई, नीचे की तरफ है क्रीपर। ओए रुक जा, फूटना नहीं है भाई तेरे को, पीछे आ रहा है भाई, आप चला गया। ओके ब्रो, तो फाइनली अपन आ चुके हैं अपने तूफान को लेकर के, अभी मैं इसको रखता हूँ ठीक है, एंड बहुत जल्द अपन स्टार्ट करते हैं गाइस बनाना जो अपना आज का मेन मुद्दा है उसको ठीक है यार। बहुत मजाक हो गया, चलो अभी इसको बनाते हैं अपन। चलो 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 उसको लेके जाता हूँ मंदिर की तरफ, चल भाई तूफान चल अंदर की तरफ। ओके ब्रो फाइनली अपन तूफान को लेकर के आ चुके हैं ठीक है, यहाँ पर क्या बात है यार, मजा ही आ चुका है। एंड अच्छा 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 भाई, ये कैरेट देख के कर रहे हैं ना, ये ले और बाहर मत निकलियो भाई, ये ले भाई कैरेट मैंने खिला दिया ठीक है इस बंदे को। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बनाने के लिए अपना मस्त वाला फिशिंग फार्म ठीक है, फिशिंग फार्म बोले तो तुम फिशिंग हाउस बोल सकते हो उसको, बहुत ही मजा आएगा ठीक है। उसको मैं बनाऊंगा इस बोट हाउस ठीक है, बहुत टाइम खराब कर दिया अपन अभी तक वीडियो को ठीक है। अब अपन मेन मुद्दा स्टार्ट करने वाले हैं, चलो तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ इस बेड को अपन यहाँ से लेते हैं, एंड अभी अपन ना गाइस एक दो दिन अपने को लग सकते हैं शायद बनाने के लिए ठीक है उसको, बिकॉज मैंने उसको देखा था ना भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी बोट लगती है ठीक है, बोट हाउस बोलते हैं उसको, बहुत ही मजा आएगा उसको बन जाएंगे तो। फिर अपन ना गाइस फिशिंग करने वहीं जाएंगे ठीक है यार, देखो चाहूँ तो फिशिंग में यहाँ भी कर सकता हूँ लेकिन फील नहीं आता ठीक है यार, तुम समझ रहे हो ना, पूल टाइप का लगता है, फिशिंग के लिए मजा नहीं आता। फिशिंग के लिए अपने को चाहिए गाइस इस तरह का खुला हुआ समुद्र ठीक है यार, अपने आप में बहुत पतले पतले नाले टाइप की चीज है, ऐसा मजा नहीं आता। यहां से स्टार्ट करता हूं बनाना, बिल्कुल मिडल ऑफ द सी के बनाऊंगा ठीक है मैं इसको। चलो 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 अंदर की तरफ चल भाई। तो ब्रो एक काम कर रहा हूं मैं, यहां पे बनाना स्टार्ट कर देता हूं ठीक है, ये सही रहेगा। ओके तो गाइस फाइनली तुम देख रहे हो अपन ने भूमि पूजा लगा दिया है भाई, चालू हो चुका है अपना काम जोरों शोरों से ठीक है, अभी करना स्टार्ट करते हैं इस पूरे को। तो गाइस तुम देख सकते हो मैंने फाइनली भाई ओक को हटा करके यहां पे स्प्रूस लगा दिया, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा लुक में बढ़िया लग रहा है ठीक है। एक ये लगाया, एक यहां पे ऐसा, एंड देन एक यहां पे, बहुत बढ़िया। एंड गाइस सेम अपने को ना कुछ कुछ इस तरफ करना पड़ेगा, दो स्लैब लगाने पड़ेंगे, एक दो, एंड लास्ट में लगाना पड़ेगा एक ट्रैप डोर। ट्रैप डोर में लेके आया हूं ठीक है गाइस, मैंने ना ये सारी चीजें पहले बना रखी थी। ओके बहुत बढ़िया, तो कुछ इस तरह के अपना स्टार्ट हो चुका है भाई, चीजें बनना बहुत ही मजा आएगा ठीक है, तुम देखते जाना अभी चलो। एंड इसके चारों तरफ ना मेरे को एक ओके कुछ इस तरह से गाइस मेरे को चारों तरफ लगाने पड़ेंगे ठीक है, इस तरफ भी मेरे को लगाना पड़ेगा ये। चलो बहुत ही बढ़िया ब्रो, तुम देख रहे हो कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। अभी ना ब्रो मेरे को इसके सबके ऊपर भाई वो लगाना पड़ेगा, बोले तो स्प्रूस प्लैंक ठीक है, इन सबके ऊपर लगाने पड़ेंगे जो जो भी चीजें अपने यहाँ पे रखी है ना इनके ऊपर। चलो तो गाइस तुम देख रहे हो फाइनली कुछ इतना काम मैंने कर दिया यहाँ पे ठीक है यार, अभी तक इतना काम हो चुका है, अभी बचा हुआ काम अपने को स्टार्ट करना है। बट मैं सोच रहा हूँ रात हो रही है तो सो जाएगी, अभी सुबह काम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मैंने चाहना अभी कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी से लड़ाई करूं मैं। चलो बेड में लगा दिया है, मैं सोने के लिए तैयार हो चुका हूं, रिस्पॉन पॉइंट मैंने सेट कर रखा है। ये गाइस अभी अपन सो नहीं पा रहे ना, तो एक काम करता हूं थोड़ा सा काम अपन और कर लेते हैं ठीक है। काम करता हूं मैं, पहले चारों कोने में स्लैब लगा देता हूं कुछ इस तरीके से। ओके एक, अरे नीचे नहीं लगाना था भाई, ऊपर लगानी है स्लैब को। चलो यार तो गाइस फाइनली मैं सो चुका हूं, अभी सुबह होने का इंतजार करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं तुमको वापस से बोलने वाला हूं, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बात है माइनक्राफ्ट में ना, ये बड़ी मस्त चीज है, थोड़ी देर में रात थोड़ी देर में दिन हो जाता है। ओके नीचे मैं आ चुका हूँ ठीक है, एक मेरे को इस कोने में लगाना पड़ेगा ये, एंड एक मेरे को लगाना है बिल्कुल बीचू बीच में कुछ इस तरीके से, बहुत सही। अभी अपने को जाना पड़ेगा ना गाइस ऊपर की तरफ। चलो ओके ब्रो, तो तुम देख रहे हो फाइनली मैंने कुछ इस तरीके लगा दिया भाई, बेस अपना ना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है अभी ये वाला। अभी अपने को ऊपर से काम स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है। अब देख रहे हो तो ऊपर से बहुत प्लेन लग रहा होगा, लेकिन ब्रो धीरे धीरे शेप आएगा ना, मजा ही आ जाएगा। एंड अभी मेरे को एक दो कुछ इस तरीके से लगाना है ठीक है, आगे की तरफ लगा देनी है मेरे को स्टेयर जो कि उल्टी दिखेगी ठीक है, मतलब बोले तो कुछ इस की। ओके बहुत सही, अभी मैं ऊपर कैसे चढ़ूं यार, एक तो ऊपर चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। काम करता हूं मैं, डर्ट यहां पे लगा देता हूं ठीक है, ये सही रहेगा, इससे अपन बाबा ऊपर चढ़ते रहेंगे, बहुत सही। अभी ना गाइस मेरे को यहां पे लगानी पड़ेगी ये स्टेयर्स को ठीक है, तो मैं दिखाता हूं मैं कुछ इस तरीके से। चलो एंड गाइस तुम देख रहे हो कितनी सही तरीके से चीजें चल रही है ना अभी। ओके बहुत बढ़िया, एंड ब्रो यहां तक मैंने कर दिया ठीक है कंप्लीट यार, तुम देख रहे हो गाइस ऑलमोस्ट गाइस मैंने बेस को ना पूरा रेडी कर दिया यार, बहुत ही बढ़िया। बस अपने को अभी ढांचा खड़ा करना है, ऑल्दो मुझे पता है बात मैंने काफी बार बोल चुका हूं बेस रेडी हो चुका है बट भाई काम चल रहा है इसके ऊपर ना, अब हो चुका है पक्का है ठीक है। एंड अभी ना गाइस अपने को लगानी पड़ेगी यहाँ पर स्टेयर्स ठीक है, बहुत बढ़िया, एक यहाँ पर एंड एक मेरे को लगानी है इस तरफ, बहुत सही गाइस। एंड अभी मेरे को एक दो
तीन, बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है। अरे यार गलत लगा दिया, रुको रुको। एंड ब्रो अभी ना मेरे को 1 2 3 एंड इधर भी मेरे को 1 2 3, बहुत बढ़िया ब्रो। तुम देख रहे हो इतना काम अपन ने कर लिया है अभी। अब इस तरफ का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ से ना अभी ऑलमोस्ट हो चुका है अपना ये जो एरिया ना भाई, इतना एरिया अपना रूम रहने वाला है, ठीक है। अपना छोटा सा प्यारा सा हाउस रहेगा पूरा यार, वुड का, बहुत ही मजा आएगा उसको देखकर, ठीक है। अभी आगे काम करते हैं अपन। तो ब्रो अब यहां से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को रखना पड़ेगा सबसे पहले तो डार्क ओक चाहिए होगा, ठीक है। ओके ब्रो, तो तुम देख रहे हो फाइनली मेरे को ये मिल चुकी है एंड मेरे को एक ये चाहिए होगी, ठीक है। अभी इस टाइम पर चलो ये अपने को ऐसा रखना है, ठीक है। इसके बाद मेरे को लगानी है यहां पे स्टेयर्स सामने की तरफ, एक बार लग जाए बस कैसे भी। ओके एंड यहां पे फिर अपने को एक स्टेयर्स को ऐसे रख देना है, ठीक है। एक स्टेयर्स ऐसी रहेगी, एक स्टेयर ऐसी रहेगी, बहुत बढ़िया। आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से एंड इधर से भी कुछ इस तरीके से ऐसे रखना है। एंड अब अभी मेरे को जरूरत पड़ेगी गाइस ये स्लैब की, ठीक है। स्लैब से कुछ अपने को ऐसे कवर करते हुए चलना है इस तरफ भी। ओके ब्रो, तो फाइनली अपना इतना तैयार हो चुका है। मैंने सारे के सारे डार्क वाली वुड थी वो भी अभी लगा दी है, ठीक है। इतनी वुड लग चुकी है भाई। अब जाके तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर आना चालू हो चुका है ब्रो। अगर अभी तुम्हें मैं बोलता हूं, ठीक है, तुम डिसाइड करो यार कि जो मैन जो अपनी बोट रहेगी, तुम बोलो शिप रहेगी, इसका गाइस फ्रंट एंड किस तरफ होगा, वो वाला फ्रंट एंड है कि ये वाला है, अभी सोच लो, ठीक है ना यार। एंड देन देखते हैं ब्रो कौन सही गैस कर पाता है, ठीक है। तुम बताओ मेरे को अभी कौन सा वाला है। ब्रीफ कंस्ट्रक्शन मोंटाज। अरे गाइस यार अभी ना मैं सच्ची बता रहा हूं, 20 बार तो नीचे गिर चुका हूं, मेरा दिमाग खराब होने लग गया है, ठीक है। अभी यार मतलब क्या मतलब है यार, हर बार नीचे गिर जाता हूं मैं यहां पे। अभी मेरे को ना ऊपर चढ़ने में और जोर आ रहा है यार। ओके गाइस, तो फाइनली तुम देख रहे हो अभी अपने को ऐसे लगाते हुए चलना है, ठीक है, ठेठ यहां तक यार चलो। अरे फिर गिर गया यार। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस। अपने को एक ऐसे एंड एक ऐसे, बहुत सही। एंड ब्रो अभी अपने को ना यहाँ पर भी एक ऐसे लगाना है एंड देन एक ऐसे लगाना है, तुम देख रहे हो। अभी भाई अपना ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ऊपर बनाने वाला रूफ भाई, बहुत ही मस्त लगने वाली रूफ, ठीक है। अभी भाई टाइम आ चुका है फाइनली रूफ बनाने का, चलो चलते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पर, बहुत सही। एंड गाइस यहाँ से अपने को वापस से स्टेयर्स लगाना स्टार्ट करना होगा, चलो। एंड यहाँ पे अपन एक जगह छोड़ेंगे बिकॉज ये चिमनी वाली होगी, बीचों में लगा दूंगा स्लैब्स, ठीक है, बहुत सही। एंड सेम टू सेम मेरे को ऐसे यहाँ पर भी करना है, चलो चलो चलो, बहुत सही। एंड ब्रो बीच में अपन लगा देंगे स्लैब्स, ठीक है, तुम देख रहे हो। तो फाइनली अपनी रूफ भी बनके तैयार हो चुकी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया गाइस, मजा ही आ गया, ठीक है, इसको देखने के बाद में। तो अभी अपने को ना नीचे की तरफ रखनी है गाइस, मैं तुम्हें बताऊं तो दो फर्नेस मेरे को बनानी पड़ेगी, रुको। फर्नेस कैसे बनानी पड़ेगी, रुको, मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, क्राफ्टिंग टेबल पहले बनाता हूं मैं। ओके एंड गाइस क्राफ्टिंग टेबल कहां पर है मेरी, ये रही, इसको मैं रखता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, बिकॉज़ यहां पर ना मेरे को भी फर्नेस बनाने का है। तो गाइस तुम देख सकते हो फाइनली अपने पास में दो फर्नेस आ चुकी है, ठीक है। इन फर्नेस को ना मेरे को यहां पर रखना पड़ेगा एक के ऊपर एक, क्या मैं रख सकता हूं कि यहां से, कम ऑन, एक एंड देन एक इसके ऊपर रखनी पड़ेगी मेरे को, बहुत ही बढ़िया गाइस, ठीक है। एंड इसके ऊपर मेरे को रख देना है दो कोबलस्टोन, ठीक है, एक दो, बहुत बढ़िया। एंड गाइस इसके ऊपर मेरे को बनानी पड़ेगी कोबलस्टोन की वॉल, ठीक है, बहुत खूब गाइस। तो फाइनली तुम देख सकते हो ये रही अपनी चिमनी, ठीक है ब्रो, ये दूर से ना चिमनी की तरह दिखेगी, अभी तो मैंने लग रही होगी, लेकिन गाइस मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, डिटेल्स मैटर्स करती है यार। तो फाइनली अपना ब्रो ये बन चुका है, ठीक है, तुम देख रहे हो मस्त वाला, मस्त वाली रूफ अपनी बन चुकी है। अभी अपन चलते हैं यहां से नीचे की तरफ एंड गाइस ये होने वाला है अपना रूम, ठीक है। बेड को मैंने यहां से हटा दिया है ब्रो, मैं पहले ना एक नया रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूं, ठीक, इस कोने वाला। ओके अब मैं मरूंगा तो यहां पर ही रहूंगा। अभी गाइस देखो इतना मैं बना चुका हूं उसको, अभी ना मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी केवल केवल मेरे को सबसे पहले तो ब्रो यहां पे एक ऐसा लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मेरे को एक उल्टी स्टेयर लगानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से। एंड देन मेरे को एक ट्रैप डोर लेना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है गाइस, ट्रैप डोर अपने को मिल चुका है, इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है मेरे को। ये काम करता हूं गाइस, मैं ओक का ट्रैप डोर बनाता हूं, ठीक है, वो ज्यादा सही लगेंगे शायद। एंड ब्रो तुम देख रहे हो फाइनली अपना बेडरूम बनकर तैयार हो चुका है ब्रो, तुम देख रहे हो इतना अपना बेडरूम रहने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। अब ये काम करना पड़ेगा मेरे को, ऊपर की तरफ एक स्लैब लगानी पड़ेगी ताकि ये हो गया ढक, ठीक है। अब ये काम करता हूं ना, पूरा बना लेता हूं, उसके बाद तुमसे मिलता हूं, ठीक है, बिकॉज अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, मोटा मोटा बन चुका है, बस केवल डेकोरेट करना है, देन मैं तुमसे मिलता हूं, चलो यार। तो ब्रो फाइनली अपना बोट हाउस बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है यार, भाई बहुत ही ओपी लुक आ रहा है उसका, सच्ची मेरे को लगा इतना बढ़िया लगेगा, तुम देख रहे हो भाई, पीरो ने बनाया तो बढ़िया तो लगेगा ही ब्रो, तुम देख रहे हो दूर से कुछ ऐसा लग रहा है ना भाई, बहुत ही सही प्यारा प्यारा हाउस, ठीक है अपना। अब से फिशिंग करना होगा तो यहाँ पे आया करेंगे। एंड ब्रो मैंने ना यहाँ पे ब्रिज लगा दिया है ताकि कूल लगे, एंड तुम देख रहे हो कुछ मैंने अजीब गरीब लगाया, एक लाइट कलर एक डार्क कलर, एंड मेरे को यार फंकी टाइप का थोड़ा सही लगा तो मैंने इसको हटाया नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह अपने को जाना पड़ेगा अभी मस्त वाले तरीके से, ठीक है। एंड कूदना है तो गाइस तुम आ चुके हैं अपन फाइनली अपने बोट हाउस पर यार, ये रहे गाइस अपने बैरल वगैरह, ठीक है, अभी खाली है ऑल्दो ये, बट धीरे धीरे में सामान भर जाएगा, कोल्ड ड्रम के अंदर में मेरे को पानी भरना है, ठीक है। बट भाई रुको रुको यार, तुम देखो ब्रो ये रहा आज के मैन वीडियो का मैन मुद्दा, अपना जो घर है ना ब्रो बहुत ही क्यूट लग रहा है, देखो बाहर से ही खोलना है अपने को, अंदर की तरफ आना है गाइस, तुम देख रहे हो। तो कुछ भी अपने को स्टोर करना होगा तो कर देंगे अपन। एंड इस तरफ भी गाइस मैंने चेस्ट रख रखे हैं, ठीक है, ये दोनों तरफ मैंने लैंटर्न रख रखा है यार। नीचे की तरफ गाइस मैंने पढ़ने के लिए ना कुछ भी नोट्स वगैरह लगाना हो अपने को तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड पीछे की तरफ ये क्राफ्टिंग टेबल है, ये दो फर्नेस है, ओके। एंड ये है भाई यहाँ से खिड़की, ठीक है, तुम देख रहे हो मस्त खिड़की है, मस्त खोल के अपन सब कुछ बाहर का नजारा देख सकते हैं। इस साइड का भी मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ कौन आ रहा है, भाई कोई नहीं आ रहा है, चलो बढ़िया है यार, है ना। एंड भाई पीछे का भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी देखना हो ना अपने को घर में क्या चल रहा है आजू बाजू, तो ये भी अपन देख सकते हैं यहाँ से। तो गाइस ये रहा अपना रूम, ठीक है,
तो ब्रो फाइनली अपना बनकर तैयार हो चुका है यार बोट हाउस। तुम लोग कमेंट करके अभी जरूर बताओ मेरे को तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, मेरे को तो बहुत ही सही लगा यार। ठीक है, बिकॉज पहले भी मैंने कुछ अलग बनाया इस तरीके का, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो ये। तो बस ब्रो खत्म करते हैं आज की वीडियो का। आई होप दैट लाइक तुम्हें देख के मजा आया हो। ठीक है यार, एंड लास्ट वापस तुमको याद दिलाता हूं ब्रो, मैंने तीसरे चैनल पर अपना सेटअप टूर का वीडियो दे दिया है यार, लिंक दे रखा है मैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, वहां पर ब्रो ऑलरेडी शायद अपन 30K के करीब आ चुका है, 30K करा दो जल्दी से यार, मजा आएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं इसको, #gameover है ब्रो।